देवेंद्र एजेंसीज, हमारे यहाँ त्रिशूल फेनाइल, त्रिशूल सैनिटाइजर, त्रिशूल हैंड वॉश, त्रिशूल टॉयलेट क्लीनर, त्रिशूल अल्ट्रा वॉश, त्रिशूल फिनाइल गोली आदि उपलब्ध है। प्रोपराइटर स्वर्गीय सुनील कुमार और राजू पाल, देवेंद्र कुमार महंदू, आशु महंदू। संपर्क सूत्र 8755200900 9412539052। हमारा पता देवेंद्र एजेंसीज, ताड़ीखाना, GMD रोड, मुरादाबाद। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर श्री राम मंदिर जमीन के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे श्री राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन के नाम पर कथित घोटाले के आरोप को लेकर धरना प्रदर्शन कर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर कमेटी को तब तक भंग कर मंदिर कमेटी के सभी बैंक खाते सीज कर दिए जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश से उसे पूरे मामले की जाँच नहीं करा ली जाती। वहीं आपको बताते चलें, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा। वहीं श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के खरीदारी मामले में मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों पर कथित आरोप लगाए और ज्ञापन सौंपा। आपके बुजुर्ग होंगे घर में, उनसे पूछना। एक तो नारा हमारा है, ये नारा सत्य है, पहले लूटा था गोरों ने, अब लूट रहे हैं, अब लूटा चोरों ने, ये लूट रहे हैं, ये गोरों के रूप में दलाल हैं जो हमारे देश को लूट रहे हैं। श्री राम मंदिर जो हमारे हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, जिनको हम सुबह शाम पूजते हैं, उनके नाम से लूट की जा रही है। हमारे पैसों से गली मोहल्लों में श्री राम के नारे लगाकर गली मोहल्लों में घूमकर हम लोगों से पैसा लिया, वो पैसा खा गए, करोड़ों रुपए खा गए। कांग्रेस पार्टी की मांग है, जब तक इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से के रिटायर जज से CBI के अधिकारी से ना हो, तब तक कमेटी के सारे सदस्य को सस्पेंड किया जाए और इनके खाते भी सीज किए जाए। और बड़ी शर्म की बात तो आज इस बात की है, उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जहां पर हिंदुस्तान के सर्वप्रिय श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब संत बोल रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तो हर समाज का व्यक्ति ये बोल रहा है जांच होनी चाहिए। आज हमारे देश में हंसी उड़ाई जा रही है दूसरे देशों में, जिसके ऊपर इन्होंने पूरी जिंदगी एक राम नाम के मंदिर का मुद्दा बनाया, उसी का चंदा खा गए। हमारे देश में हमारी क्या इज्जत रही होगी, और देश वाले हमें क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर कैसे हिंदू हैं, धर्म के नाम से चंदा खा गए। मैं पुनः कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला और कांग्रेस कमेटी की ओर से, अपने महानगर अध्यक्ष की तरफ से ये विनती करता हूँ कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा होनी चाहिए, CBI द्वारा होनी चाहिए। आज जितना रोष हिंदू भाइयों में, उतना रोष हमारे उस मुस्लिम भाइयों को भी है।